प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर महात्मा गांधी जी के बारे में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई। महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्र के लिए किए गए त्याग, बलिदान और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जा सकता। महात्मा गांधी जी की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदभाव के खिलाफ तमाम संघर्षों के बाद जब वे अपने स्वदेश भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि क्रूर ब्रिटिश हुकूमत बेकसूर भारतीयों पर अपने अमानवीय अत्याचार कर रही थी और देश की जनता गरीबी और भुखमरी से तड़प रही थी। महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन चला रहे थे जिसमें महत्वपूर्ण आंदोलन है चंपारण और खेरड़ा आंदोलन। सन 1917 में जब अंग्रेज अपनी दमनकारी नीतियों के तहत चंपारण के किसानों को शोषण कर रहे थे, उस दौरान कुछ किसान ज्यादा समर्पण देने में असमर्थ थे। इसके बाद गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने कहा था यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ चलाया था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए इसके तहत पैदल यात्रा की थी। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किए हुए थे जिसमें महात्मा गांधी के शब्द हैं, कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, कुछ ऐसा सीखो जिससे कि तुम हमेशा के लिए जीने लगो। इस प्रकार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण शब्द थे। जय हिंद, जय भारत।